गुलेन से गोली तक के सफर का अंत हो गया। अपराध से सियासत और सियासत में अपराध के किरदार मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। बांदा की जेल में तबियत बिगड़ी, कल रात अस्पताल लाया गया जहां मुख्तार की मौत हो गई। मुख्तार के घर वालों ने जेल में धीमा जहर देने का आरोप लगाया है। चुनावी साल में मुख्तार की मौत पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। मायावती, अखिलेश यादव की पार्टी से लेकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता तक इस मौत की साजिश की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुख्तार पूर्वी यूपी में सियासी बाहुबल का दूसरा नाम था। फिलहाल आपको बताते चले, थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होगा जिसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पंचनामा का काम पूरा हो चुका है और परिवार वालों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जाएगा, क्योंकि परिवार वालों ने धीमा जहर देने के आरोप लगाए थे। दोपहर बाद परिवार को सौंप दी जाएगी डेड बॉडी, जिसके बाद परिवार डेड बॉडी देकर शव को लेकर गाजीपुर रवाना हो जाएगा। परिवार ने जेल में धीमा जहर देने का आरोप लगाया है। आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है मायावती की ओर से। आपको बता दें, पहली बार विधायक बना था मुख्तार अंसारी 1996 में मायावती की पार्टी से ही। और इन सब के बीच अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में जांच की जाए, क्योंकि परिवार वालों की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच जरूरी है। सरकारी अराजकता के बुरे दौर से गुजर रहा है उत्तर प्रदेश, ये बातें कही गई हैं। कैदी की मौत न्यायिक प्रक्रिया पर बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव की ओर से ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल चल रहा है। इन सब के बीच आपको बताते चले, पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। हमारे कई सहयोगी अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ परिवार को शव कब सौंपा जाएगा। संतोष इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, शम्स ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, सबसे पहले आपके पास आते हुए, परिवार कितनी देर में पोस्टमार्टम शुरू होगा, परिवार वालों को शव कब सौंपा जाएगा, क्या जानकारी मिल रही है? संतोष, देखिए, शव का पंचनामा हो चुका है। पंचनामे पे जो जिन पांच लोगों के दस्तखत की जरूरत होती है, वो दस्तखत करने वालों में मुख्तार अंसारी का बेटा उमर, रिश्ते में मुख्तार अंसारी के दो भतीजे और जो मुख्तार अंसारी के जो यहाँ पर वकील थे और उमर अंसारी का ड्राइवर, ये पांच लोगों ने दस्तखत करने के बाद पंचनामा हो चुका है। और मैं इस समय पर बांदा के उसी पोस्टमार्टम हाउस पर ही मौजूद हूँ। आप देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये जो सामने आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, बैरिकेडिंग से रास्ता बहुत करीब 500 मीटर की दूरी पर ये पोस्टमार्टम हाउस है। और जो चूंकि पंचनामा जो होना है उसमें मुख्तार अंसारी के वकील भी मौजूद हैं, मुख्तार अंसारी के वकील पंचनामा करने वालों में मौजूद थे, तो वो यहाँ पर आए हुए हैं। जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है, इसके बाद पोस्टमार्टम शुरू होगा। करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा इस पोस्टमार्टम के लिए। डॉक्टरों का पैनल पूरी तरीके से तैयार है। इस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। चूंकि घर वालों ने इसमें धीमा जहर देकर के हत्या की आशंका जताई, अनहोनी की आशंका जताई, और सबसे अहम बात कि खुद मुख्तार अंसारी ने भी जब अभी हाल ही में, सबसे हाल में 21 मार्च को जब बाराबंकी के एम्बुलेंस मामले में उसकी सुनवाई थी, तो उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई। उनके वकील रणधीर सिंह सुमन की तरफ से बाराबंकी में कहा गया कि मुख्तार अंसारी ने कहा था कि 19 मार्च को उनको धीमा जहर दिया गया, उससे पहले 40 दिन पहले भी जहर दिया गया, जिससे उनकी तबियत खराब हुई। और जो बंदी रक्षक जो खाना बनाते थे और जो खाना चक कर मुख्तार अंसारी को देते थे, उनकी तबियत खराब हुई। और ऐसे में अब मुख्तार अंसारी की परिवार के द्वारा जो आशंका जताई जा रही है, ऐसे में पोस्टमार्टम बहुत अहम हो जाता। पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी कराई जाएगी, क्योंकि और वही दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात कि मैजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए। मैजिस्ट्रियल जांच, चूंकि जुडिशियल कस्टडी में एक तरीके से मुख्तार अंसारी था, तो उसकी मौत हुई है। जुडिशियल इंक्वायरी की वजह से ही कहा जाए कि जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दिए गए, उसमें पूरा होगा। और जो वकील है यहाँ पे मुख्तार अंसारी के, वो उन्हीं सब सर पंचनामा हो गया है अभी नहीं हुआ, अभी नहीं। कौन कौन, कितने लोग इसमें होंगे आप लोगों की तरफ से? अभी कुछ नहीं हुआ, वेट करा जा रहा है डॉक्टरों की टीम का, डॉक्टरों के पैनल का वेट किया जा रहा है। पंचनामा हो गया पूरी तरीके से? अभी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, डॉक्टरों की टीम का। परिवार के कितने लोग हैं? परिवार के 3 सदस्य हैं। परिवार के 3 सदस्य हैं। उमर के अलावा दो चचेरे भाई और हैं। दो चचेरे भाई हैं, ये उमर के अलावा दो चचेरे भाई हैं। आप लोग जब मिल जाएगी भैया लेकर निकल जाएंगे।
तीन लोग हैं। ये कुछ कागज है, सामान वामान वापसी है। डॉक्टरों की टीम का इंतजार करा जा रहा है, डॉक्टरों की टीम आ जाएगी, पोस्टमार्टम शुरू हो जाए। डॉक्टर का पैनल पांच, देखिए पांच डॉक्टरों का पैनल है जो इस पूरे पोस्टमार्टम को करेगा, वीडियोग्राफी होगी। और जैसा कि बताया था कि मुख्तार अंसारी का जो बेटा है उमर है, उनके मुख्तार अंसारी के रिश्ते में जो दो भतीजे हैं वो हैं, और ये जो डॉक्टर जो अभी बता रहे थे ये खुद उस पंचनामा में दस्तखत करेंगे। और इसके अलावा जो उमर अंसारी की गाड़ी का ड्राइवर है, यानी कि ये पांच लोग पंचनामा करेंगे, पंचनामे के बाद ये पोस्टमार्टम होगा। पांच डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा, यानी कि कुल मिलाकर अभी काफी ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन इन सबके बीच गाजीपुर में तैयारियां पूरी की जा चुकी है। वहां पर धारा 144 लागू की गई है, बड़ी तादाद में मुख्तार अंसारी के घर भी लोग पहुंच रहे हैं। शमसे जो कहानी रही है इस शख्स की, मुख्तार अंसारी के ऊपर कई मामले रहे, दो दो मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा ये शख्स, जिसकी मौत को लेकर कई सवाल परिवार वालों की ओर से उठाए जा रहे हैं। शमसे इसका जवाब हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले मुख्तार अंसारी के भाई से बातचीत की है हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने, सुनते हैं। रात में मीडिया के माध्यम से 9:30 बजे के बाद उनकी हालत की खराबी की सूचना न्यूज चैनलों पे आ रही थी, जिसे देख के हम लोग को जानकारी हुई। वो अपने खतरे का एहसास करके बताते रहे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए कि वो सबकी साजिश से हो रहा था, ध्यान कोई क्यों दे। इतनी जघन घटना होने के बाद मुझे तो पूरी आशा थी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय खुद संज्ञान लेगा कि इस घटना की कोई न्यायिक जांच करावे, लेकिन अब तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिल रही है। बहरहाल हम सबको इस ऊपर वाले पे भरोसा है, वो जरूर इस षड्यंत्रकारियों से बदला लेगा। सब कुछ षड्यंत्र के तहत हुआ है, उसमें नो डाउट। कोई रिपोर्ट आवे, कोई कुछ कहे, लेकिन सच तो सच है। उनके शरीर को आप देखेंगे, कहीं नहीं कह सकता कि कोई आदमी बीमार आदमी मरा है, बल्कि सोए हुए हैं, और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। परिवार में अभी कौन कौन यहाँ मौजूद है और कौन कौन बांधा गया हुआ है? बांधा बस उनका छोटा बेटा उमर वहां मौजूद है, और कोई नहीं गया। सबसे यही कह रहे हैं कि भाई वो इतने दिन के लिए दुनिया में आए थे, हम सब सब्र से काम लें और ऊपर वाले ईश्वर पर, अपने अल्लाह पर भरोसा रखें। वो सब देख रहा है और उसके अंधेर है, अंधेर नहीं। सबकतुल्लाह अंसारी को आप सुन रहे थे, मुख्तार अंसारी के भाई को, उनकी ओर से अपनी बातें कही गई हैं। अब आपको दिखाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें। कृष्णानंद राय हत्याकांड में ये मुख्य आरोपी था मुख्तार अंसारी, और अब उनके परिवार के लोग इस खबर के बाद दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी 2002 में जिसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई, दरअसल उसी साल बीजेपी के विधायक रहे कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास से 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली थी, यानी कि जीत ली थी। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, और उस हार का बदला लेने के लिए 2005 में उनकी हत्या मुख्तार अंसारी की ओर से करवा दी गई। इस तरह के आरोप इस शख्स के ऊपर लगते रहे। इस खबर के बाद सुबह सुबह आप देखिए परिवार के लोग किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अब दर्शन करके परिवार के लोग धन्यवाद भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा है सुनते हैं कृष्णानंद राय के।
मुझे जानकारी मिला कि माफिया सपना बताने वाली एंट्री हो चुकी है, और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल ने, जो डॉक्टरों का पैनल था, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें, हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का नियम है, मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी पे बना है। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। उमदा अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे। कृष्णानंद राय, जिन्होंने 17 सालों के गढ़ को तोड़ते हुए विधानसभा चुनाव जीत लिया था, जिसके बाद घेर कर 500 गोलियां बरसाई गई थी उनके और उनके सहयोगियों के ऊपर, जिसमें से खुद 60 से ज्यादा गोलियां कृष्णानंद राय को लगी थी, और अब उनके परिवार के लोग इस पर खुशी जाहिर करते हुए उसकी मौत को लेकर